एनाकोंडा इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पे जाके टाइप करना है एनाकोंडा, देन आपको वेबसाइट ओपन करनी है एनाकोंडा की। जैसे ही आप एनाकोंडा नेविगेटर की वेबसाइट ओपन करेंगे आपको स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी। आपको प्राइसिंग पे जाके क्लिक करना है। प्रो, बिजनेस और एंटरप्राइज अवेलेबल है, बट हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्री प्राइसिंग, तो यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड फ्री पे जाके क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी, जहां पे आपको एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, जहां पे आपको गेट एडिशनल इंस्टॉलर्स, जैसे एप्पल के लिए iOS यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे विंडोज के लिए इंस्टॉल करेंगे, तो डाउनलोड की बटन पे हम क्लिक करेंगे। आपकी फाइल्स जो हैं वो अभी यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, इट विल टेक सम टाइम। जैसे ही फाइल्स डाउनलोड हो जाएं, आपको फाइल्स जो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जो भी डाउनलोड जस्ट हुई है, हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा वेरीफाई करने के लिए। देन आफ्टर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे, देन आफ्टर क्लिक करना है नेक्स्ट पे। यहाँ पे ऑल यूजर्स हम सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे। इसके बाद यहाँ पे पाथ आपका डेस्टिनेशन फोल्डर का ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसे नेक्स्ट बटन पे आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट हियर द पाथ इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, सो आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा रजिस्टर एनाकोंडा 3 एज द सिस्टम पाइथन 3.9, इस तरीके के स्टेटमेंट शो करेंगे। यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे वो थोड़ा सा टाइम लेगा आपका इंस्टॉलेशन के लिए, थोड़े टाइम तक आपको वेट करना होगा, इट्स नियर अबाउट 15 to 20 seconds का टाइम लगता है आपकी इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन, यहाँ पे दोनों बटन से आप अनचेक करेंगे और क्लिक करेंगे फिनिश पे। जैसे ही आप इसे फिनिश करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, एंड आपको वापस यहाँ पे जो आपका सर्च आइकन है वहां पे जाके टाइप करना है एनाकोंडा नेविगेटर। जैसे ही आप एनाकोंडा नेविगेटर पे जाके वहां पे सर्च करेंगे, आपका स्क्रीन जो है एनाकोंडा नेविगेटर वो ओपन हो जाएगा। अगेन इट विल टेक नियर अबाउट 15 to 20 seconds, जो कि ओपन होने का टाइम लेता है। सो हियर इट इज इंस्टॉलिंग, लोडिंग द एनवायरमेंट्स, एंड नाउ हियर एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि काफी सारे IDEs आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक भी दिया हुआ है, VS Code Spider, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हम सारा काम जुपिटर नोटबुक पे करेंगे बिकॉज इट्स अ मोस्ट पॉपुलर ID। यहाँ पे हम जुपिटर नोटबुक का आइकन ऑलरेडी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉन्च का, आपको जाके लॉन्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉन्च बटन पे क्लिक करेंगे जुपिटर नोटबुक आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सारे जो फोल्डर्स के नेम है आपकी फाइल्स में, ये आपको यहाँ शो हो रहा है, और लोकल होस्ट पे ऑलरेडी आपका फाइल जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे जाएंगे हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नया फोल्डर एक बना लेंगे। इस फोल्डर का नाम हम चेंज कर लेते हैं। फोल्डर के नेम को चेंज करने के लिए आपको डेस्कटॉप पे जाना है, अनटाइटल्ड फोल्डर जहाँ पे ऑप्शन है बॉक्स पे क्लिक करना है, रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम पे जाके लेट सपोज किसी स्टूडेंट का नाम है अमित, तो हम अमित प्रोग्राम्स नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं। इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम अपनी एक नई नोटबुक क्रिएट करने वाले हैं, पाइथन 3 जो दिया हुआ है यहाँ पे, इस पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे जुपिटर नोटबुक न्यू ओपन हो जाएगी। इस जुपिटर नोटबुक का नाम हम चेंज कर लेते हैं, अनटाइटल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम लेट सपोज मान लीजिए डेमो 1, हम को एक नेम ले लेते हैं, डेमो 1 नाम से हम इसको रीनेम कर देंगे। और यहाँ पे इस तरीके से आपकी जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई है। तो फाइनली अब हमने एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर ली है और कुछ इस तरीके से दिखती है आपकी जुपिटर नोटबुक, जहाँ पे आप कोड्स को लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं, उसमें क्या एरर्स आ रहे हैं वो आपको पता चल सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द जुपिटर नोटबुक। तो चलिए अब हमारा फर्स्ट प्रोग्राम पाइथन का हम लिखते हैं जुपिटर नोटबुक पे, बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि मार्कडाउन। जब आप मार्कडाउन पे यहाँ पे जो कॉलम आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको तीन, जब इस ड्रॉपडाउन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि कोड, मार्कडाउन, रॉ MPC कन्वर्ट एंड हेडिंग। तो यहाँ पे हम मार्कडाउन ले रहे हैं। जब हम मार्कडाउन का लेते हैं दैट मीन्स हियर यू कैन राइट एनीथिंग बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कोड। जो भी कोड आप लिखेंगे यहाँ पे, आप लेट सपोज हम यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं, This is my first Python program. जैसे ही आप इस हेडिंग को ड्रॉप डाउन डालेंगे तो यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट एक हेडिंग की तरह दिखेगा जो कि आपके कोड का पार्ट नहीं होगा। सो दैट इज अबाउट द मार्कडाउन। सो मार्कडाउन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप लंबे लंबे प्रोग्राम्स लिखेंगे तो वहां पे कई बार जरूरी होता है कि जिस प्रोग्राम को आप लिखना चाहते हैं उसका हेडिंग क्या हो।
सो मार्कडाउन वर्क्स लाइक दैट. अनदर एग्जाम्पल इज हेडिंग. अब हम यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट करते हैं. सो यहाँ पे दिस इज अ लेवल टू हेडिंग, इसको हम ओके करेंगे. यहाँ पे आपको एक हैश का सिंबल दिखेगा और यहाँ पे लेट सपोज हम हेडिंग डाल देते हैं हेलो पाइथन. और जब भी आपको किसी कोड को या जब भी जो भी चीज आप लिखें उसको रन करने के लिए आपको पाइथन में जो कीज यूज करना है आपकी कीबोर्ड में वो है शिफ्ट और एंटर. या तो आप यहाँ पे जाके रन का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप शिफ्ट और एंटर दोनों को एक साथ दबा सकते हैं ताकि आप जो भी हेडिंग देना चाहें या कोई मार्कडाउन पे कोई स्टेटमेंट लिखना चाहें तो वो वर्क कर पाए. तो चलिए पहला प्रोग्राम हम अपने पाइथन में जुपिटर नोटबुक पे लिखते हैं. दैट इज योर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम. वी विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक. सो लेट सपोज अगर मुझे प्रिंट करवाना है पाइथन के प्रोग्राम में जो कि है मेरा हेलो वर्ल्ड, तो मैं इसे कैसे करूंगी. तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं इन राइट, और यहाँ पे दो ब्रैकेट्स बने हुए हैं, इन लिखा हुआ है. दैट मीन्स ये इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं. सो लेट सपोज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं और टाइप करते हैं जुपिटर नोटबुक पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड. और इसे रन कराने के लिए हमें शिफ्ट और एंटर दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करना है. और हम यहाँ देख सकते हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है. सो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ पाइथन. अब आगे वाले लेक्चर्स में हम पाइथन के और भी ज्यादा इनडेप्थ प्रोग्राम्स पे वर्कआउट करेंगे. बट यहाँ तक हमने एनाकोंडा इंस्टॉलेशन के बाद जुपिटर नोटबुक ऑलरेडी लॉन्च कर ली है. एंड हियर वी हैव राइट अबाउट फर्स्ट वेरी बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ पाइथन. इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल अबाउट द अदर टॉपिक्स ऑफ पाइथन ऑल्सो.